इंस्टा ट्रेंड्स। किसी का नाम है भूपेंद्र जोगी और किसी ने खाई है खट्टी टॉफी। कुछ को है मेरे नहाने की चिंता, कुछ को है सबकी शादी की चिंता। तो चलिए बिना वक्त गवाए इनकी पूजा और रोज शुरू करते हैं। So, let's get it। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। अगर इस बंदे से इसका इंट्रोडक्शन देने को बोला जाए तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा। नाम भूपेंद्र जोगी। काम बकवास करना। हॉबी और ज्यादा बकवास करना। हैबिट सबसे ज्यादा बकवास करना। फेवरेट वर्क लगातार बकवास पे बकवास करना। अमेरिका में कहाँ कहाँ गए? अमेरिका देखा हुआ है हमने न्यूज़ों पर। ऐसे तो मैंने भी आज न्यूज में मालदीव्स देखा, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं मालदीव्स जा चुका हूँ। इन अंकल ने शायद न्यूज चैनल्स को डोरेमोन का एनीवेयर डोर समझ रखा है। जिस भी जगह को देखा वहीं पहुँच गए। और ये बंदा तो भूपेंद्र जोगी से इतना इंस्पायर हुआ कि उस पर गाना ही बना दिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं बहुत जगह गया हुआ हूँ। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। जोगी 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 भूपेंद्र जोगी 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 भूपेंद्र जोगी 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 भूपेंद्र जोगी 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 भूपेंद्र जोगी। आइए आइए इनसे मिलिए, ये वही हैं जो अब सर्दियों में नहाएंगे नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? आइए। समझ नहीं आ रहा इसे थैंक यू बोलूं मुझे सेलिब्रिटी वाली फील देने के लिए या रोस्ट करूं मेरी बेइज्जती करने के लिए। बड़ी ही विकट समस्या है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बाना तेरे को डर नहीं लगता? आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। बस हवा निकल गई। सोनू भाई शादी कब कर रहे हो आप? सोनू भाई शादी कब कर रहा है तू? और सोनू शादी कब कर रहा है भाई? और सोनू भाई शादी कब कर रहे हो? और सोनू भाई शादी कब कर रहे हो? सोनू भाई शादी कब कर रहे हो? क्यों तुम लोग शादी.com के ब्रांड एम्बेसडर हो या सोनू भाई की शादी में पंडित की जगह तुमने मंत्र पढ़ने हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं एक बार सोच कर देखो, अगर किसी 2 महीने पहले पैदा हुए बच्चे का नाम भी सोनू हो तो इस हिसाब से तो तुम उस बच्चे को बेबी कार्ट से पहले बेबी हॉर्स पर बिठा दोगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अगर किसी सच्चे आशिक ने इस धरती पर जन्म लिया है ना तो वो ये है। चंद्र जी कहाँ पे हैं? आपके लिए मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, ढूंढ रहा हूँ। आ जाइए जितेंद्र जी, आई लव यू जितेंद्र जी। जितेंद्र जी बाहर में है इसलिए अंकल तुम भी उन्हें बाहर में जाके ढूंढो और अपने प्यार का इजहार करो अंकल जी। हेलो निरंजन कहाँ पे आए? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ प्यार करने के लिए, आ जाइए निरंजन, आई लव यू निरंजन। अभी तो अंकल जितेंद्र जी को ढूंढ रहे थे प्यार करने के लिए और अभी तुरंत ही पलट गए। अगर बेस्ट फ्लिपर ऑफ द ईयर नाम का कोई अवार्ड होता तो इन्हीं अंकल को मिलता। सही बात है। नहीं पढ़ते घर पे? फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? आप तो झूठ बोल रहे हो। मैम घर पे पढ़ते नहीं है, मैम खेलने ध्यान लगाता है। मैम सुबह होते ही मैम पप्पा से कहता है, मैम पप्पा बता देती है। बताओ जरा। ये सेम वही सीन है जब टीचर तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारी कंप्लेंट बताने के लिए तुम्हारी क्लास में बुला लेती है और तुम्हारी बहन भी पूरी तैयारी के साथ आती है और मन ही मन सोचती है अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और सारे जन्मों की चुगलियाँ टीचर से कर देती है। ये छुटकू भी लाइक मैं कुछ नहीं जानता ये क्या बोल रही है। फिर आप लेकिन घर में शरारत बहुत करते हो। नहीं मैम कम है, स्टैंड है, स्टैंड हां जी, हैंड्स बैक। यस छुटकू भी अलग ही एटीट्यूड में है। जाओ मैम कुछ भी कर लो, आप तो आगे ही रहेंगे मेरे। ये बाबूराव का स्टाइल है। मैं पहले तो मम्मी हमें मारती है। हाय शांत हो जा मेरे बच्चे। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। मैं तेरी भावना समझ सकता हूँ। आप बैग फेंक देते हो, अपने कपड़े फेंक देते हो और काम नहीं करते हो ढंग से। और फिर मम्मी से परेशान होगी नानी की चली गई। क्या आज तक तो सुना था कि मम्मी पापा से परेशान होकर मायके जाती है, लेकिन इनके केस में तो मम्मी अपने बच्चे से ही परेशान होकर मायके चली गई। मम्मी कहती है मैं पैर दबा देती हूं, मैम दबा देंगे नीचे रहता है। बताओ अब आप बताओ, आप तो कह रहे मैं पैर दबाता हूं, झूठ बोल रहे हो आप। नो मैम हम तो पैर दबाते हैं लेकिन ये मोटी सी रोटी मारती रहे। क्या ये? हां ये मोटी है कोई? हाँ। पतली है वो। अरे तुम समझो इस चिट्ठी ने अपनी मम्मी को बोला है मोटी, लेकिन जब मैम ने बोला क्या तभी तुरंत बात पलट दी अपनी बहन पर। बड़ा हरामी हो बेटा। तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है।
देखो देखो फिर टॉपिक बदल रहा है। मैम ने पूछा मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हो, तो टॉपिक बदल के बोल दिया मैम मैंने खट्टी टॉफी खाई है। इतना छोटा सा बच्चा कितना चालाक है, तुरंत ही बात पलट देता है। That's for this video. मिलते हैं next video में. Thanks for watching. ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए इसको।